हाय एवरीवन, आजकल बहुत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि मेरे बच्चे का 4 साल का है, मेरे बच्चे का वजन इतना है, उसकी लंबाई इतनी, हाइट इतनी है, क्या करूं मैं, क्या खिलाऊं, कोई लीवर टॉनिक लीजिए, कोई विटामिन लिख दीजिए। तो मैं बता दूं, पहले आपको ये समझना होगा कि आपके बच्चे का वजन कितना होना चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए। तो पहले 2 साल का जो होता है पीरियड, उसमें बच्चे का वजन उसके बर्थ वेट यानी कि जन्म के समय जितना उसका वजन होता है उस पे डिपेंड करता है। अगर बच्चा 2.5 किलो का होगा तो उसका वजन जो है 6 महीने में, बल्कि 5 ही महीने में दोगुना हो जाना चाहिए, यानी 5 किलो हो जाना चाहिए। 1 साल में 3 गुना हो जाना चाहिए, यानी 7.5 किलो का होना चाहिए। और 2 साल में 4 गुना हो जाना चाहिए, यानी कि 2 साल का बच्चा अगर उसका जन्म का वजन 2.5 किलो का है तो वो 10 किलो का होगा। लेकिन यही बच्चा अगर कोई और बच्चा है जिसका वजन जन्म के समय 3 किलो का है तो 4 से गुणा करेंगे तो 2 साल में वो 12 किलो का होना चाहिए, 4 गुना। और अगर 3.5 किलो का है तो वो 12 से 14 किलो तक हो सकता है, 4 गुना। तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जन्म जितना है, जितना उसका वेट है वो 2 गुना 5 महीने में होता है, अपने जन्म के 3 गुना 1 साल में होता है, 4 गुना 2 साल में होता है। 2 साल के बाद कितना होता है, तो 3 साल के बच्चे का वजन जो होता है वो यूजुअली 12 से 14 किलो होता है। 4 साल के बच्चे का वजन यूजुअली 16 किलो के आसपास होता है। 5 साल के बच्चे का वजन 18 किलो के आसपास होता है। 6 साल के बच्चे का वजन 20 किलो के आसपास होता है। 7 साल के बच्चे का वजन 21 से 22 किलो होता है। 8 साल के बच्चे का वजन 24 से 25 किलो होता है। 9 साल के बच्चे का वजन 27 से 28 किलो होता है। 10 साल के बच्चे का वजन 30 किलो के आसपास होता है। 11 साल के बच्चे का वजन 32 किलो के आसपास होता है। 12 साल के बच्चे का वजन 36 किलो के आसपास होता है। 1-2 किलो का डिफरेंस आ सकता है। वजन नापाने के लिए आप अपने करीब के डॉक्टर के पास, जब बच्चा 2 से 5 साल से नीचे हो तो हर महीने 2 महीने पे जाके नपवा सकते हैं। जितना छोटा बच्चा वजन होगा उतने जल्दी जल्दी नपवाना पड़ेगा, यानी जब भी टीका लगवाया जाए वजन जरूर नपवाएं। अब आइए लंबाई की बात। बच्चे की लंबाई जो होती है यूजुअली हमारे भारत में, अगर माँ बाप के ऊपर दोनों की लंबाई पे डिपेंड करती है। अगर माँ की हाइट कम है, बाप की हाइट कम है, तो बच्चे की भी हाइट स्टार्टिंग में कम रह सकती है। अगर जो है बच्चे का माँ बाप की हाइट लंबी है तो बच्चा बचपन से ही लंबा रह सकता है। बहरहाल ये चार्ट देखिएगा आप, तो देखिए नॉर्मली अगर कहते हैं, अगर माँ जो है इंडियन एवरेज के हिसाब से 5 फुट 2 इंच की है और बाप 5 फुट 4 या 6 इंच का है, तो उस हिसाब से जन्म के समय 50 सेंटीमीटर, 6 महीने पे 65 सेंटीमीटर, 1 साल पे 75 सेंटीमीटर, 2 साल पे 85 सेंटीमीटर, 3 साल पे 95 सेंटीमीटर, 4 साल पे 100 सेंटीमीटर, 8 साल पे 125 सेंटीमीटर, 12 साल पे 150 सेंटीमीटर, इसी के आसपास रहती है। यानी कि इस अगर बच्चा जो है 2 साल का आपका बच्चा है, अगर 85 सेंटीमीटर या 82 सेंटीमीटर या 88 सेंटीमीटर है तो ये नॉर्मल सी बात है। तो अगर आपके बच्चे का वजन कम है लेकिन उसकी हाइट अपने एज के हिसाब से बराबर है, यानी 4 साल का बच्चा अगर 100 सेंटीमीटर के बराबर है, 98 सेंटीमीटर या 102 सेंटीमीटर है, तो आपको अगर उसका वजन 16 किलो होना चाहिए और सिर्फ 12 13 14 किलो है तो घबराने की बात नहीं है। इसका मतलब हो सकता हो बच्चा एक्टिव हो, बहुत ज्यादा खेलता कूदता हो तो पतला दुबला रह सकता है। आइए हम आपको बताते हैं कैसे बच्चों की हाइट नापते हैं। तो जो छोटे बच्चे रहते हैं, जो 2 साल से नीचे बच्चे जो रहते हैं, उनकी हाइट नापने के लिए आपको बच्चे के पास ही रखो, जमीन न पकड़ना, आइए इधर आइए, ऐसे पकड़िए, ऐसे पकड़िएगा, हाँ ऐसे
छोटे बच्चों की हाइट नापने के लिए आपको सर के पास एक किताब रख लीजिए, पैर पूरा सीधा कर लीजिए और मेजरिंग टेप से एक किताब से दूसरी किताब तक नापना चाहिए। तो ये कि बेबी डॉल है, 36 सेंटीमीटर का है। जो बच्चे 2 साल से ऊपर हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, आइए बेटा आपको तो पता है ना कैसे करते हैं। हाँ पैर मिला लीजिए खुद से जैसे पापा करते हैं। हाँ गुड गर्ल। तो आपको ये दोनों पैर सीधा मिला होना चाहिए और बच्चे से कहना है कि स्ट्रेट देखो, सीधा देखो बेटा, स्ट्रेट देखिए और आप एक पतली किताब रखेंगे और एक छोटा सा निशान ला दीजिए। घर में निशान लगा सकते हैं और वो डेट डाल सकते हो आप कि आज इतनी तारीख को हमने बच्चे के नापा। और फिर ये 103 सेंटीमीटर है। अब मेरी बच्ची 4 साल की है और उसकी हाइट 103 सेंटीमीटर है, लेकिन जब नजर आइए लेकिन उसका वजन जो है वो बहुत कम है। क्या जो है चुईया, इसको हम लोग कहते हैं चुईया, जो छोटी सी है लेकिन इसका वजन 12 या 14 किलो के करीब है। कितना बेटा? 14 केजी है। तो इसका वजन 4 इयर्स से ज्यादा के बच्चे का वजन जो होता है वो 16 किलो के आसपास होना चाहिए, लेकिन इसकी हाइट अच्छी है, 103 सेंटीमीटर है। एवरेज हाइट आपने बताई कि 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसका मतलब बच्ची की हाइट अच्छी है, वजन थोड़ी तरफ कम है, बहुत कम भी नहीं है, 14 किलो है, 16 किलो होना चाहिए। लेकिन चूंकि एक्टिव मेरी बच्ची है, बहुत खेलती रहती है, दो दिन हुदम क्या कहते हैं हुड़दंग मचाती है, तेज लड़की बच्ची है, तो इस वजह से ऐसा है। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि वजन में 1-2 किलो कम अगर है जो मैंने आपको बताया है उस हिसाब से, तो कोई घबराने की बात नहीं है। हाइट भी 2-4 सेंटीमीटर इधर उधर है तो घबराने की बात नहीं है। तो फिर से मैं रिपीट करूंगा कि पहले 2 साल तक के बच्चे का वजन बच्चे के जन्म के वजन के ऊपर डिपेंड करता है। 2 गुना 5 महीने में, 3 गुना 1 साल में, 4 गुना 2 साल में होता है। उसके बाद 3 साल के बच्चे का वजन जो है वो 12 से 14 किलो के आसपास होता है। 4 साल के बच्चे का वजन 16 किलो, 5 साल के बच्चे का वजन 18 किलो, 6 साल के बच्चे का वजन 20 किलो, 7 साल के बच्चे का वजन 21 से 22 किलो, 8 साल के बच्चे का वजन 24 से 25 किलो, 9 साल के बच्चे का वजन 27 से 28 किलो, 10 साल के बच्चे का वजन 30 किलो, 11 साल के बच्चे का वजन 32 से 33 किलो, 12 साल के बच्चे का वजन 35 से 36 किलो के आसपास होना चाहिए। हाइट जो है 6 महीने पे 65 सेंटीमीटर, 1 साल पे 75, 2 साल पे 85 सेंटीमीटर, 3 इयर्स पे 95 सेंटीमीटर, 4 इयर्स पे 4 साल पे 100 सेंटीमीटर, 8 साल पे जो है 125 सेंटीमीटर और 12 साल पे 150 सेंटीमीटर करीब होती है। लेकिन हाइट माँ बाप के हाइट के दोनों का मिला के उस पे डिपेंड करती है और खान पान पे, इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। थैंक यू।